दुनिया इधर के उधर हो जाए पर सजदा नहीं छूट सकता। हमसे पांच वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती और आप मुझे बताएं हम क्या कर सकते हैं। वो काफिर है बंदा जो नमाज जानबूझ के छोड़ता है कि मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए। अल्लाह तो कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए। रोजा बाद में है, नमाज पहले। नमाज को छोड़ना शिर्क है। जबकि वो सही और सलामत थे उस वक्त वो सजदा नहीं करते, कभी नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बख्शे बख्शे फजर में भी कहलवाया, जोहर में भी कहलवाया। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। नमाज दिन की तीन पढ़ है, चार पढ़ है। The first deed that will be asked you on the day of judgment is about your salah. वो नमाज नहीं पढ़ रहा, ये मुसलमान नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पास सजदा करने की तौफीक नहीं है तो इससे बड़ा अजाब तुम पर कोई नहीं। मगर कभी नमाज को शिफ्ट ना करना, आराम से नमाज ऐसे हमारे पास लेट। उनके अपॉइंटमेंट्स तय होते हैं तो नमाजों के हवाले से। फर्ज नमाज कजा करने का इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। फर्क डालती है ना मुसलमानों में और गैर मुस्लिम्स में नमाज। लेकिन नमाजें पूरी नहीं है आपकी, एक मजरी में आप फेल हैं, नो चांस।